डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स नॉर्मल का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट्स टू y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है आपके पास, x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, dy/dx निकाल लें और दोनों पॉइंट्स पे स्लोप निकालते हैं। तो हो जाएगा 7 × 3 = 21 x² + 11 का 0। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, dy/dx एट x = 2। ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x = 2 और इस पे रख दें आप 21 × 2² तो ये हो जाएगा आपका 21 × 4 = 84। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे आप 2 पे और फिर निकालेंगे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x = -2 तो वो भी वैल्यू इतनी ही आएगी, dy/dx एट x = -2 तो यह जाएगा 21 × -2² ये भी आपका 84 आया। दोनों इक्वल है देयरफोर बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। इसलिए दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इफ़ m1 = m2 दो लाइंस का स्लोप अगर इक्वल है तो दोनों लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। Therefore, tangents will be parallel to each other. Tangents will be parallel. अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास 17। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Find the point on the curve y = x³। y = x³ पे हमें पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स ऑन y = x³ क्या कंडीशन है, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मीन्स y स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए इसको नंबर 1 है तो सबसे पहले dy/dx निकाल दें, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होगा। ये कितना है आपका 3x² आएगा, किसके बराबर दिया हुआ है, गिवन है, ये y के बराबर है। इसको नंबर दे देंगे आप 2 इस इक्वेशन को। अब आप ध्यान से सुने, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम वन एंड टू दोनों y के इक्वल हैं तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं। तो y = 3x² और y = x³, तो 3x² = x³ implies 3x² - x³ = 0। x² ले लें कॉमन, implies x = 0 और इससे x की वैल्यू आएगी 3। अब x की 0 और 3 वैल्यू 1 में डाल दें तो putting in 1 1 में पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी और जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3³ = 27 आएंगे। तो पॉइंट्स होंगे हमारे, पॉइंट्स विल बी जीरो जीरो 3, 27
7. क्वेश्चन नंबर 18 बहुत खास सवाल है, तो इसको आप एक्सक्लूसिव वीडियो इसका मैं बनाऊंगा 18th का, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें और देख करके समझ लें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक होगी क्वेश्चन नंबर 18 की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक हिट करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ वाई आई एम सेपरेटिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दीज ऑल क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज़ वाई आई एम सॉल्विंग इट सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉइंट्स निकालना है आपको ऑन और सेपरेट डालने का कारण उसका ये है कि लोग उसको इंडिविजुअली सर्च करते हैं विद द नेम ऑफ द क्वेश्चन, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंटली मैं डालूँगा, आप उसको देखें, वो क्वेश्चन लिंक बॉक्स में मिलेगा और आप उसको सॉल्व कर लें। पॉइंट्स ऑन दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप किसके बराबर होगा, जीरो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, इसको वन अज्यूम करके, तो ये हो जाएगा आपका 2x, 2y dy by dx माइनस 2 इंटू 1, 3 का 0 इज इक्वल टू 0, इससे dy by dx का वैल्यू निकाल लीजिए, dy by dx का वैल्यू आएगा, उसको 2 को उधर भेज देंगे, 2x को उधर भेज देंगे, 2y को अपॉन में भेज देंगे, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये आपका dy by dx आ गया। अब आप ध्यान से सुने, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स को अल्फा बीटा पे ले रहे थे, तो इस पे अल्फा बीटा पे ना भी लें तो भी चलेगा, एक्स और वाई में भी रहने दें तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर आप चाहते हैं अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा भी रख सकते हैं। तो अगर आप अल्फा बीटा में रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा विल बी वॉट, 1 माइनस अल्फा अपॉन बीटा, और स्लोप किसको पैरेलल है, तो इसमें दिया है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो देयरफॉर इट्स स्लोप इज जीरो, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, इट्स स्लोप इज जीरो, इसका स्लोप जीरो है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा विल बी जीरो, 1 माइनस अल्फा अपॉन बीटा जीरो, आप इसको भेज दें बीटा को उधर, और वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा। अब हमें बीटा निकालना है, तो फिर हम ये लिखेंगे हम कि अल्फा कॉमा बीटा किस पे लाया करता है, कर्व पे, कर्व की इक्वेशन कहाँ है, ये है, तो ऐसा लिखेंगे हम, सिंस अल्फा बीटा लाइंग ऑन द कर्व वन, सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइंग ऑन द कर्व वन, देयरफोर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और जब आपके पास अल्फा की वैल्यू वन है, इफ अल्फा इज वन, तो इसमें अल्फा की जगह वन डाल दें, तो वन प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये कैलकुलेट कर लें, वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, प्लस माइनस टू, तो पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास, पॉइंट्स आर वन कॉमा प्लस माइनस टू, तो दीज आर द पॉइंट्स विच वर रिक्वायर्ड, यही पॉइंट्स हमें निकालने थे, ये जो आ चुके हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसा है,
एक बार आपको 20th ध्यान से देखें, बहुत अच्छा सवाल है, सरल है काफ़ी, और आप और मैं मिलके इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल टू ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट पॉइंट है आपके पास ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, तो ये आपका कौन होगा, अल्फा बीटा होगा। इससे क्या निकालेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो टू ए वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का 3x स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, और अल्फा बीटा रखेंगे मतलब ये पॉइंट रखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, ये पॉइंट रखने से हो जाएगा 3am स्क्वायर 2a इंटू ए एम क्यू, 2a इंटू ए एम क्यू, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो ए एम स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, तो ये जाएगा आपका 3a स्क्वायर m4 m टू द पावर 4 2a स्क्वायर m क्यू, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब से ये कैंसिल किया जाएगा 3m अपॉन 2। ये स्लोप है टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो मैं नॉर्मल की डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बीटा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा x माइनस अल्फा। अब आपको अल्फा बीटा मालूम है, ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा, तो y माइनस ए एम क्यूब, y माइनस ए एम क्यूब माइनस वन अपॉन का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए 3m अपॉन 2 है आपका, तो आप इसको लिख दीजिए 3m अपॉन 2 इंटू x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा क्या है आपका ए एम स्क्वायर है, तो x माइनस आपकी इक्वेशन इसी में आएगी, m में ही आएगी। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ज़रा सी भी चिंता की बात नहीं है, हम मिलके सब कर सकते हैं, दुनिया के सारे काम लोगों ने किए हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हौसला रखने की ज़रूरत है, और आप लोग आगे बढ़ेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। 3 एम क्यू माइनस, इधर देख लीजिए माइनस 2x, इसको मैंने उधर भेज के मल्टीप्लाई भी कर दिया दोनों में, माइनस 2x प्लस 2 एम स्क्वायर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर m क्यूब है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, आप इसको सबको उधर ले जाएं, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 3my उधर जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3my प्लस प्लस देख लीजिए 3 एम क्यूब माइनस ये है 2 एम स्क्वायर, दोनों अगर क्यूब होते तो फिर कैंसिल हो जाता, दोनों क्यूब क्यूब हो जाते तो फिर कैंसिल होकर के आपका आंसर आ जाता, लेकिन अभी आपका ये कैंसिल नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20th जो हमने सॉल्व किया है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर है 22nd, फिर मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो हम 21st है, जैसे मैंने आपको 18th कहा है कि क्वेश्चन नंबर 18th और क्वेश्चन नंबर उसी तरह से 21 सेपरेटली सॉल्व करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, और आप क्वेश्चंस ज़रूर देखें। इवन क्वेश्चन नंबर 21 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से लिंक डली हुई है, आप उसे देखिए। तो मैं इस समय आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे डिस्कशन करता हूँ, जिसमें आपको टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल भी निकालनी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट
80 स्क्वायर कॉमा 280। ये आपका पॉइंट है अल्फा, ये वाला पॉइंट है आपका बीटा, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये इक्वेशन है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे स्लोप निकालने के लिए तो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा 4a, और dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 4a/2y, तो ये हो जाएगा 2a/y। अगर आप ये पॉइंट डालेंगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका dy/dx 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालेंगे तो 2 into a और अपॉन में y आ जाएगा 280, तो ये आपका कैंसिल होके आ गया dy/dx 1/t। अब आप पहले टेंजेंट निकाल लें, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये किसकी है दोस्तों, नॉर्मल भी हमें निकालनी है तो नॉर्मल के लिए मैं इसमें रख दूंगा, तो ये नॉर्मल भी आ जाएगा मेरा। तो नॉर्मल के लिए 80 स्क्वायर 280 डालना है यहाँ पर, तो बीटा की जगह आ जाएगा 280 और dy/dx @α/β ये हो जाएगा 1/t, तो ये 1/t 1/t x-80 स्क्वायर, और ये माइनस ये टी ऊपर चला जाएगा, y-280 - t, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -tx + at³। अब आप लिख पाएंगे इसको tx + y, ये t है, tx + y = at³ + 280। ये नॉर्मल है, लेकिन हमें दोस्तों टेंजेंट भी निकालनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की होगी y-β dy/dx @α/β x-α। तो आप y-β कौन है आप देख लीजिए, बीटा है आपका 280, तो ये हो जाएगा y-280 = dy/dx का वैल्यू है 1/t 1/t x-80 स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू। अब इसको आप t को उधर भेज दें तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा देखिएगा ty-280 square = x-80 square। अब आप ध्यान से सुनिए, इनको सबको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेज देंगे तो आपके पास हो जाएगा x-ty - 280 square आएगा तो +280 square होगा, इधर आके -80 square से कैंसिल होगा, तो बचेगा आपके पास, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका दूसरा दोस्तों, ये आपका नॉर्मल है। तो ये आपके आंसर है, टेंजेंट भी आ गया आपके पास और नॉर्मल भी आ गया आपके पास। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर था आपका 22। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18, 21, 24, 23 ये सब सेपरेटली सॉल्व है। आप लिंक पे जाएं, क्लिक करें और वीडियोस ज़रूर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं आपके लिए, जो CBSE में आए हुए हैं, एग्जाम्पलर में हैं और NCERT में नहीं भी हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछना हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पे अप्रोच कर सकते हो। कोई कमेंट लिख के देना चाहते हो, किस तरह का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कोई सजेशन हो, कोई बात हो, आप ज़रूर से कहिए, ज़रूर से मुझे लिख भेजिए। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, और भी बहुत सारी बातें आपसे करना है, हम करते रहेंगे, हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा। चैनल को मैंने आप बताया ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, आप आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है, यही सबकी इच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट।